Brought to you by Provo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है Provo, the power of yes and no. The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. हालांकि कश्मीर से है ईशान पंडिता, लेकिन इस वक्त नॉर्दर्न स्टेट से पूरी तरह सादन स्टेट में आ गए और केरला के लिए इस बार आईएसएल खेलेंगे. केरला की जो फैंस है वो फैन बेस बड़ी अच्छी है और साथ में उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है इस साल केरला ब्लस्टर्स और आपका क्या एम रहेगा एम तो सेम ही रहता है जीतना है केरला ने अभी तक आई जीता नहीं है ट्रॉफ़ी नहीं जीता है तो इस सीज़न भी हम वही कोशिश करेंगे जीतने का और होपफुली ट्रॉफी भी मिलेगा और इस वक्त जो है कश्मीर मतलब बहुत सारे स्टेट्स है जो कि आई खेलता है और कश्मीर से हम लोग देखें रियल कश्मीर एफ जैसा टीम्स और उसके साथ साथ कश्मीर में भी फ़ुटबॉल की क्रेज़ भी ज़्यादा है क्रिकेट के साथ साथ तो आप चाहते हो कि आई में कश्मीर से कोई टीम उभर के आए कोर्स कश्मीर में बहुत लोग फुटबॉल भी खेलते हैं आ, तो हाँ कश्मीर में टीम आ, जो आई लीग में खेलता है और एक दिन अगर आई आए में आएंगे तो अच्छा ही होगा मैं खुश भी होगा वी हैव सीन यू एज एस सुपर स्ट्राइकर जब आप उतरते हो गोल करते हो uh, तो ये जो आपकी uh, अभी इंडियन टीम की सिनेरियो है सुनील छेत्री ने भी छोड़ दिया है रिटायरमेंट ले लिया है उसके बाद इंडियन टीम में क्या दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है या uh, कैसे ये देखते हो ये पूरा सिनेरियो फुटबॉल टीम स्पोर्ट है तो सुनील छेत्री ने अब छोड़ दिया है मगर अभी बहुत लोग हैं इंडिया में जो खेल सकते हैं ऊपर नंबर नाइन में और देखेंगे टाइम के साथ कौन खेलेगा होपफुली सब ठीक ही जाएगा और इंडिया टीम अच्छा ही करेगा आई की जो इम्पैक्ट है क्योंकि हम देखे कि आप बाहर खेले थे उसके बाद फिर इंडिया में आए इंडिया में आके आई टीम ज्वाइन किए तो ये जो इम्पैक्ट है इंडियन फुटबॉल के साथ कितना आपके साथ जाता है इंप... आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट है आई एस इम्पैक्ट तो है जब से आई आया मैंने अच्छा ही किया है और आई एस की वजह से मैं इंडिया टीम में आया हूँ तो इम्पैक्ट अच्छा ही हुआ है तो इस वक्त केरला ब्लास्टर्स को लेके पहली बात तो एम क्या है और कहाँ कहाँ ठीक मतलब कहाँ कहाँ चूक हो रही है कि चैम्पियनशिप से थोड़ा दूर केरला ब्लास्टर्स जा रहा है ऐसे कुछ नहीं है अभी प्रपेशन अच्छा आ गया है प्री सीज़न भी अच्छा ही गया है Uh, हमारा स्क्वाड अच्छा है गुड uh, बैलेंस है टीम में और देखते हैं गेम बाय गेम अच्छा ही करेंगे और होपफुली कुछ जीतेंगे सीज़न आपके लिए एक पर्सनल क्वेश्चन की आप जब जैसे बाहर बाहर खेले हो बा, बाहरी कंट्री में खेले हो तो वहाँ की जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आपकी गेम में कितना पड़ा है वहाँ से क्या सीखने क्या कुछ सीखने को मिला जो कि इंडियन फुटबॉल में जब आप उतरते हो इंडियन जर्सी में वो काम देती है इम्पैक्ट तो है क्योंकि अगर आप देखोगे इंडियन स्ट्राइकर में बहुत कम खेलते हैं नंबर नाइन में और जितनी बार मैं आया हूँ ऑलमोस्ट गोल ही मारा है तो इम्पैक्ट है जितना कम मैंने खेला है मेरे पास गुड नंबर ऑफ गोल्स हैं तो वो इम्पैक्ट स्पेन से ही आता है अभी अगर बाहर से कोई चांस आए तो आप जाओगे या फिर इंडिया में रहने इंडिया में रह के इंडियन फुटबॉल को डेवलप करने की कोई और कोशिश करोगे आई थिंक अगर इंडियन फुटबॉल को डेवलप होना है तो बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छा लेवल वहाँ पे ही है फ़ुटबॉल यूरोप में खेलते हैं और अगर ऑप्शन मिलेगा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हंड्रेड परसेंट जाऊँगा और अगर कप के लिए यूरोप में खेलूंगा और वापस आऊँगा इंडिया टीम के लिए तो अच्छा ही होगा सबके लिए तो इस वक्त एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे फुटबॉलर्स जाते हैं बाहर लेकिन आप यंग हो आप भी चाहते होंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप में खेले तो उसके लिए step by step कितना time लग सकता है और क्या क्या होना जरूरी है इंडियन में uh, anything is possible. Uh, अगर हम अभी से शुरू करेंगे preparations, next world up, world cup के लिए और उसके बाद और उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है अभी हमारा नया कोच आया है ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी फिक्स मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ